जय माता की सभी संगत को देखिए दीपावली का पर्व आ रहा है सभी जानते हैं और अभी सभी माता रानी के भोग भी देंगे कोई सात्विक रूप से देता है कोई तामसिक रूप से परंतु अगर आप दीपावली पर माता शमशानो वाली का भोग देते हो यानी कि शमशानो वाली माता को आप कलेजियाँ दे रहे हो भोग में तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है जो माता रानी का तामसिक भोग होता है मसानी लगा लो शमशानी लगा लो इनका आप शमसानों में अगर भोग दे रहे हो रात्रि के समय मतलब आपको दीपावली के समय किसी भी भगत ने ये बोल दिया है कि आपको शमसानों में ये भोग दे करके आना है और आपको कलेजी देनी पड़ेगी इसमें पान वगैरह चलते हैं खून की धार चलती है शराब चलती है और या मुर्गे की हो सकती है बकरे की हो सकती है अभी तो आप दे रहे हो आपका कार्य बन रहा है आपका कार्य निकल रहा है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है आपका आनंदित जीवन हो रहा है क्योंकि आप जब भी कलेजी दे कर के आते हो संसानों में भोग दे कर के आते हो आपका कार्य बन जाता है परंतु आगे चल के अगर आप तामसिक भोग पे माई को मना रहे हो आप बार बार शमसानों में आपका कोई भी काम अटक रहा है तो आप माता रानी का भोग बोल रहे हो कि मैं तेरा खप्पर बेच दूंगा आ, या फिर मैं तेरा ये भोग दे दूंगा माता रानी एक लुप्फा होता है इसको लुप्फा भी कह दिया जाता है भोग भी कह दिया जाता है लंगरी भी कह दिया जाता है कुछ भी आप बोल सकते हो ये सारा बोली का फर्क होता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता अगर आप ये दे रहे हो तो आपको भारी समस्या होने वाली है क्या समस्याएँ होंगी इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आप लोग भक्तों के चक्कर में घूम घूम के ना अपना जीवन का सत्यानाश कर रहे हो इससे आपके कार्य तो बनते हैं जरूर बनते हैं परंतु बाद में आपको क्या क्या परेशानी आती है देखो जो कलेजियों पे, मतलब कि खून मास पे माता रानी को चला रहे हैं अब कलेजी क्या हो गई किसी भी जीव का कलेजा कलेजे का हिस्सा बहुत ही नरम और सॉफ्ट होता है हमने कभी नहीं दिया खैर माता रानी को बट हमने सुना है और जो सुना है और देखा है इसके बारे में हम आपको बिल्कुल क्लियर करके ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो लोग भगत हैं वो भी सुने और जो भगत नहीं है भगतों के कहने से ये चीजें आप दे रहे हो वो भी सुने इससे क्या होगा आपका जो स्पाइनल कोड है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जो जिसके नीचे से मूलाधार चक्र जागृत होता है आपका आपके उस चक्र में हमेशा गड़बड़ी आएगी अगर आप कलेजियाँ माता रानी को दे रहे हो वो चक्र आपके कभी भी सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे सबसे बड़ी समस्या आएगी आपको कमर में दर्द की आपकी कमर में परेशानियां हो सकती है अगर आप ये खून वगैरह कलेजिया वगैरह माता रानी को अर्पण कर रहे हो शमशानी माता को ठीक है और दूसरी बात आपके घर में आगे चल के अगर आपने बहुत सारे काम ऐसे कर दिए हैं आपने कई बार माता रानी का ये भोग दे दिया तो आपके परिवार में जो है मृत्यु होना शुरू हो जाती है यानी कि माता रानी एक बार इस भोग पे चल गई ना तब उसको कोई मीठे भोग पे मना ही नहीं सकता उसको मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं कई भगत कह देते हैं कि हम आपकी माता को मीठे पे मना देंगे पर भैया वो मीठे पे इतनी आसानी से मानती नहीं है इसका क्या नतीजा होता है आप अपनी मर्जी से भोग देना छोड़ दिया आपने क्यों क्योंकि आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो गई समस्याएं खड़ी हो गई आपको जो खून की बीमारियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में घेर लेती हैं शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है दूसरी तरफ जो ब्लड कैंसर है वो भी इन्हीं चीजों से होता है तीसरी बात मैं अगर कहूं लकवा मारने की समस्या सबसे ज्यादा होती है कई भगत जो कलेजियों पे माता को चला रहे हैं अभी उनको आनंद आ रहा है अभी उनके कार्य बन रहे हैं उनके पास आने वाली संगत के कार्य बन रहे हैं पर उस भगत को ये देखना चाहिए कि आप अधरंकी लकवे की समस्या से अंत समय में पीड़ित होकर मरोगे क्योंकि ये बात नहीं हम कहते कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं नहीं हमें तो वहाँ तक जाने में बहुत समय लगेगा क्योंकि हम तो अपने आप को यही मानते हैं कि अभी हमारी शुरुआत ही है क्योंकि दो तीन वर्ष का समय कुछ ज़्यादा नहीं होता भगत या भगताई के लिए बट जिन लोगों को हमने देखा है जो हमसे कभी जुड़े थे जिनका अंत भयंकर तरीके से होते हुए देखा है तो अंत समय में उनके मुंह के जो बोल थे यही हुआ करते थे कि आप ये सब मत करना आप भक्ति करना अपने तरीके से जो है शक्तियाँ हैं उनको मनाना है अब देखो वो विधि विधान वो चीज़ें हमें दी तो ज़रूर गई हैं हमारे पास हैं वो चीज़ें इसलिए हमें उनका ज्ञान है उस उनका पता है कि ये चीज़ इस तरीके से करी जाती है पर हम उसको कभी करने के लिए परमिशन नहीं देते किसी को ना ही हम हाँ जानकारी आपको जरूर देते हैं वीडियो के माध्यम से हमेशा हम यही कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि लोगों को जानकारी दें क्योंकि जानकारी के अभाव में आप गलत चीज़ करने लग जाते हो गलत भोग देने लग जाते हो और गलत भक्तों के चक्कर में पड़ के आप अपने जीवन का सत्यानाश कर लेते हो एक टाइम आपको लगता है कि चलो भैया एक आधी बार भोग देना है माता को दे आए हम और माता रानी को भोग देने से हमारा वो कार्य भी बन गया अब भैया देखो भोग दोगे तो कार्य तो बने बनेगा ये तो सीधी सी बात है पर इससे क्या होगा आपके परिवार में समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी क्यों क्योंकि उस भोग का कुछ समय रहता है आपने भोग दे दिया आपका कार्य बन गया आप सिर्फ इकतालीस दिन या फिर नब्बे दिनों तक ठीक रहोगे इकतालीस दिन या नब्बे दिन के बाद आपको दोबारा से फिर वो भोग देना पड़ेगा अगर आप नहीं देते हो तो आपको शारीरिक समस्याएं पैदा होंगी फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा उन लोगों को निकलेंगे शरीर में एलर्जी की समस्या उन, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बनेगी जो ये तामसिक चीजों पे माता रानी को चला रहे हैं या कभी भी आपने तामसिक भोग दे के उनका कार्य करवाया है ऐसी छोटे छोटे से रोग छोटी छोटी सी बीमारियां ये समस्याएं इन्हीं कारणों की वजह से आपके जीवन में आती हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पीछे तो मसानी हाथ धो के पड़ गई है हमारे तो परिवार में जो है सूतक ही खत्म नहीं होता बाबू वो इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि आप ही के परिवार में आप ही के कुल में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमेशा ही तामसिक भोग पे शक्तियों को चला रहा होता है गुप्त रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपको पता नहीं होता और ये समस्या परिवारजनों को कुणबा जिसको कह देते हैं टब्बर जिसको कह देते हैं जिसमें कई फैमिली एक साथ रहती हैं दादा पड़दा की हमारे यहाँ तो उसको देखो टबर भी बोल दिया जाता है कुणबा बोल दिया जाता है एक जॉइंट फैमिली भी आप कह सकते हो कुछ भी अपने तरीके से जो आपके यहाँ बोली आपके क्षेत्र में समझा जा सके उस हिसाब से आप समझना कि जिनके पित्र एक होते हैं जहाँ जिनके पित्रों को जैसे दादा परदादाओं के समय से आपके दो पित्र या तीन पित्र चलते अ आपका पूरा कुंडवा पूरा परिवार पूरा आपका टाबर जो कह लो वो एक जगह पर आप पूजा करते हो अगर पितरों की तो आपके कुल में अगर ऐसा कोई इंसान है जो तामसिक भोग पे देवी शक्तियों को चलाता है चाहे वो भैरव की शक्ति हो चाहे वो काली की शक्ति हो किसी भी शक्ति को चलाता है तो वो आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है वो स्वयं तो डूबेगा ही वो आपको भी लेके डूबेगा क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं पितरों को दूषित कर रहा है और जब पितर कुपित होंगे दूषित होंगे तो समस्या तो आपके घर में भी आएंगी आप चाहे कितना भी पूजा पाठ करो वो ही इंसान इनसे बचता है जो सच्चे मन से सात्विक भाव से शुद्ध भाव से इंतजार करता है अपने वक्त आने का जिसको ये लगता है कि मैं भगवती की शरण में हूँ या फिर किसी भी इष्ट की शरण में हूँ श्री हनुमान जी, बालाजी महाराज के शरण में हूँ किसी के भी शरणागति आ करके अगर आप भक्ति कर रहे हो पूजा पाठ कर रहे हो भले ही आपका जीवन दो या तीन वर्ष में ना बदले चार वर्ष में भी ना बदले पर आपका समय आएगा क्योंकि भक्ति और किया गया कर्म कभी भी दूर नहीं जाता वो हमारे पास ही रहता है उसका फल हमें ज़रूर मिलता है वो बात अलग है कि गादड़ की जल्दी में बेर नहीं पकते हमारे यहाँ कहावत कही जाती है गादड़ की तोल में बेर नहीं पकते तो बेरों के पकने का एक समय है अगर आप बेरों को कच्चा खाओगे तो वह कड़वा स्वाद देंगे आपके पेट में भी दर्द कर सकते हैं तो ये थी जानकारी शमशानी भोग के ऊपर आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी सतर्क रहें सभी को जय माता की